वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होने वाली भर्तियों की। हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह भर्तियां होने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है 26। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, इसके 11 पद भरे जाएंगे। अगर बात करें हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, एससी, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से एक एक पद भरा जाएगा। 5 पद यहाँ पर रहने वाले हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट की। सेकंड पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की, इसका एक पद भरा जाएगा जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के 2 पद भरे जाएंगे, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी से रहेगा और एक शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रहने वाला है। प्रिंसिपल का भी एक पद भरा जाएगा जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से रहने वाला है। तहसीलदार के 5 पद भरे जाएंगे, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड के 3 पद रहेंगे और एक्स सर्विसमैन ओबीसी से यहाँ पर एक पद भरा जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक पद भरा जाएगा जो कि ऑर्थो कैटेगरी से रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब कि बीडीओ के, यहाँ पर 6 पद भरे जाएंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड, हेयरिंग इम्पेयर्ड, बैकलॉग वैकेंसी ये रहने वाली है, इसका एक पद भरा जाएगा। शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पर एक पद भरा जाएगा। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड से 2 पद भरे जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर अनरिजर्व्ड से 2 पद भरे जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आप इन पदों के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। एससी एसटी और ओबीसी के लिए यहाँ पर रहेगी 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी। अदर स्टेट कैंडिडेट्स, मतलब कि आप अगर हिमाचल के अलावा किसी अन्य राज्य से हो तो आपको यहाँ पर चुकाने होंगे 400 रुपीज़। अगर बात करें यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की, तो आप यहाँ पर कोई भी फीस नहीं चुकाएंगे, मतलब कि फीमेल कैंडिडेट्स शैल बी एग्जेम्प्टेड। अब यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी कम से कम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और आपकी मैक्सिमम एज रहेगी 35 ईयर्स। अगर आप आते हो एससी एसटी या ओबीसी से, तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपके रहेंगे हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में सेंटर रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आप कब तक इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 10 फरवरी 2020। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में Amazon ग्रेट इंडियन सेल का भी। जी हाँ, 19 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ग्रेट इंडियन सेल चल रही है Amazon पे। तो यहाँ पर आप भारी मात्रा में डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाय करके। तो इसके लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप इस सेल का मज़ा ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।